इस वीडियो में हम ढाई प्लांटर्स बनाएंगे और वो भी काफी लो कॉस्ट में। सो हमने ये 6 टायर्स लिए हैं, क्योंकि पुराने टायर्स होते हैं जो आपको किसी भी टायर वाली शॉप से 50 से 60 रुपए में मिल जाएंगे, जो खराब टायर्स होते हैं, और हमने उनको बाहर से पेंट कर लिया है। अच्छी तरह हमने उनको पेंट कर लिया है अलग अलग कलर में, और हम इनको दीवार पे हैंग करने वाले हैं। और इनके जो ये होल्स हैं, जो उनके टायर की अंदर वाली जगह होती है, यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएंगे। हमने पेटूनिया सिलेक्ट की हैं, जो कि हमने 6 डिफरेंट कलर्स में सिलेक्ट की हैं, और जो हम 6 डिफरेंट कलर्स के हमारे टायर है, हम उनमें लगाएंगे ये डिफरेंट पेटूनियाज, ताकि सब कलर अलग अलग दिखें। सो इस वीडियो में हम काफी सिंपल मेथड यूज करने वाले हैं, जो कि आप सबको बहुत ही इजी लगेगा, जो कि काफी टाइम सेविंग मेथड है। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम इसमें कोई मिट्टी नहीं डालेंगे, कोई ये पॉलीथीन को नहीं उतारेंगे। जैसा कि हम नर्सरी से ये प्लांट लेते हैं जो कि पूरा पॉलीथीन में होते हैं, हम डायरेक्ट इन पॉलीथीन को इनमें सेट करेंगे अच्छी तरह, और ऐसा लगेगा कि ये पॉलीथीन नहीं बल्कि मिट्टी में लगाए हुए हमने। और हमने अब ये ब्लू कलर का टायर लिया है, जिसमें हम ये पिंक कलर के जो हमारे पेटूनियाज हैं उनको लगाएंगे। उससे पहले हम इनको वो प्लांट की शेप देंगे, सॉरी टायर की शेप देंगे, इसके जो पॉली बैग है उसको थोड़ा दबा के, ताकि इसका जो पॉली बैग है वो बिल्कुल ना दिखे। हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे और ये ऐसा लगेगा जैसे हमने पॉली बैग में नहीं बल्कि मिट्टी में इनको रिपोर्टिंग की हुई है, पॉली बैग को निकाल के इनको लगाया हुआ है, ये देखें। इसी तरह हम बाकी प्लांट्स को लगाएंगे। पहले हम उनको टायर वाली शेप दे रहे हैं इस तरह हाथ से प्रेस करके, ताकि वो अच्छे से फिट हो सके। और ये जैसा कि आप सबको दिख रहा है, ये आपको बिल्कुल भी पॉली बैग नजर नहीं आएंगे जब ये प्लांट पूरे लग जाएंगे। ऐसा ही लगेगा जैसे सिर्फ और सिर्फ ये मिट्टी में लगा है, उसमें आपकी मेहनत भी बिल्कुल नहीं लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने इसको पॉली बैग से निकाल के लगाया है, और इसका आपको कहीं भी पॉली बैग नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ फ्लावर्स दिख रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल देखने में ऐसे लगता है जैसे हमने टायर में इनको कोकोपीट और मिट्टी भर के लगाया है, और उसमें आपके प्लांट की काफी बचत भी रहेगी। रिपोर्टिंग वक्त जो प्लांट डैमेज होते हैं आपके, वो प्लांट भी डैमेज बिल्कुल नहीं होंगे। और इसी तरह हम हमारे बाकी प्लांट्स को भी लगा चुके हैं। ये देखे फ्रेंड्स, ये हमने ऑरेंज में व्हाइट लगाया है, येलो में हमने स्टार लगाया है, एक ये लगाया है, और हमने ये व्हाइट में रेड लगाया है। और अब इस तरह हम इनको ये वॉल में हैंग करेंगे, जो हम ये कीले लगाएंगे उसके ऊपर हम इनको टिकाएंगे। और ये देखें फ्रेंड, ये बिल्कुल टिक चुका है। और हम इस पूरी वॉल को अच्छी तरह भर देंगे, जैसे आपको ये अभी वॉल खाली लग रही है ना, इसमें कोई लुक नहीं है। अब ये प्लांट्स के लगने के बाद इनकी लुक देखना आप, कि क्या अलग ही लुक बनेगी इस वॉल की। और ये हमने सेंटर में वाइट लगा दिया, इसमें हमने रेड पेटूनियस लगाए हैं। और अब हम ये हमारा येलो लगाएंगे, इसमें हमने स्टार पेटूनियस लगाए थे। और ये हमारा रेड टायर आ गया, इसमें जो मेरा फेवरेट कलर है पेटूनिया का, हमने वो फ्लावर्स लगाए हैं। ये देखें, ये मुझे पेटूनिया का सबसे अच्छे कलर लगते हैं ये दो। अभी दो लगने और बाकी हैं, वो हम इन साइड पे लगाएंगे। और ये हमारा फाइनली जो लास्ट वाला टायर है वो लगने जा रहा है, और आपको पूरी लुक दिखाता हूँ। सो फाइनली हमारे सभी टायर्स लग चुके हैं, और आप ये लुक देखें। अभी ये पूरा भर जाएंगे, जैसे अभी फ्लावर्स टायर के अंदर अंदर हैं, जब ये पूरा फ्लावर निकल जाएगा, पूरा थोड़ा टाइम को टाइम हो जाएगा, 10 दिन के बाद ये पूरी बेल टाइप बन जाएंगे, और ये पूरे टायर्स जो हैं फ्लावर से भर जाएंगे। ये वॉल पे फ्लावर ही फ्लावर दिखेगा। और वैसे अभी भी ये जो वॉल है अभी भी टेम्परेरी भी काफ़ी सुंदर लग रही है। ये देखिए, पूरी की पूरी वॉल पहले खाली थी, अब ये काफ़ी अच्छी लग रही है। सो फ्रेंड्स, आप इन प्लांट को अपने घर पे इस तरह डाई प्लांट से लगा सकते हैं, और ये काफ़ी इजी और काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी लो कॉस्ट लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा के रेड से ग्रे कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।